शनिवार को मीडिया में प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए रविवार को प्रशासन ने कार्रवाई की है तथा दो ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी से भरे हुए जब्त किए हैं। जानकारी के अनुसार सुबह एसडीएम के नेतृत्व में तहसीलदार की एक टीम बड़गान के लिए रवाना हुई थी, लेकिन उत्खनन कार्यों को इसकी भनक लग गई और वह वहां से भाग खड़े हुए, जिसके बाद काफी देर तक पूरी टीम पेट्रोलिंग करती रही। इसके बाद नायब तहसीलदार के नेतृत्व में एक टीम छिरारी की ओर रवाना हुई, जहां पर दो ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया गया जो अवैध उत्खनन कर मिट्टी ले जा रहे थे। लेकिन इस बीच एक अन्य ट्रैक्टर प्रशासन की पहुंच से फरार हो गया। रैली क्षेत्र में अवैध उत्खनन का कार्य काफी समय से लगातार जारी है। मीडिया के द्वारा अवैध उत्खनन का मामला उठाया गया, जिसके बाद प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। इस मामले में नायब तहसीलदार प्रदीप रजक से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि प्रशासन की टीम ने छिरारी से दो ट्रैक्टरों को जब्त किया है तथा आगामी कार्रवाई एसडीएम के द्वारा की जाएगी। गौरतलब है कि इस कार्रवाई से उत्खनन कार्यों में भय का माहौल है। वहीं पे छिरारी से भी आज दो ट्रैक्टर बरामद किए गए, जो रास्ते में पकड़े गए जहां पे मिट्टी लेकर जा रहे थे। दो ट्रैक्टर ड्राइवर, उन लोगों को भी हमने केस बना के थाने में सपोर्ट कर दिया गया है और जो भी आर्थिक दंड और कार्रवाई होगी वो एसडीएम साहब द्वारा लगाई जाएगी। इसकी कार्रवाई आज की गई है। रहली से सुमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट।